आज मैं कल्याणी जा रहा हूँ शियालदह से। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हूँ, ये गेदे लोकल है। कल्याणी जंक्शन पे उतरूँगा। शियालदह से कल्याणी जंक्शन का डिस्टेंस है 49 किलोमीटर्स। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे शियालदह गेदे लोकल बोनगा लोकल है। सिग्नल अभी भी रेड है, लेकिन अनाउंसमेंट हुआ कि ड्राइवर और गार्ड अपने आप में कोऑपरेट करके ट्रेन स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे सिग्नल अभी भी रेड है, लेकिन ट्रेन चल पड़े। तो बहुत सारे समय न्यूज़ में हम लोगों को दिखाता है कि प्लेटफॉर्म पे सिग्नल रेड है, ट्रेन चल पड़े। तो वो एक बार ये वीडियो देख लीजिए। रेलवे का आधा क्या 10% भी रूल्स तो हम लोगों को पता नहीं होता है, और हम लोग बैठ बैठ के खाली भाषण और लेक्चर देते हैं। चलिए, मैं कोच पे उतर जा रहा हूँ, मतलब चढ़ जा रहा हूँ। फर्स्ट या सेकेंड कोच होगा, आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। थैंक यू। ये कोच पे चढ़ जा रहा हूँ। बैठने का भी जगह है, सोने का भी, तो मैं बैठ ही जा रहा हूँ। सोने का क्या फ़ायदा, रिलेटिवली एम्प्टी है। इसका डिपार्चर टाइम है 5:16, तो 5:14 हो गया, तो शायद 2 मिनट बाद छोड़ देंगे, या डिले डिपार्चर भी हो सकता है, जो एज यूजुअल है। 5:16 की ट्रेन 5:16 पर निकल पड़े प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। मैं थोड़ा सा रॉन्ग साइड में बैठा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मेरे रनिंग कमेंट्री फॉलो कीजिए। अच्छा, स्पीड भी ले लिया। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन खड़ी है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 12 कोच एकोमोडेट कर सकते हैं। हाँ, ये भी एक 12 कोच ट्रेन है, और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे भी एक 12 कोच ट्रेन है। पूरे ईएमयू भी भरी पड़ी है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे एक, 6 नंबर पे एक, 7 नंबर से शायद एक मेमू ट्रेन निकल रही है शिवड़ी जाने वाली। शंटर इंजन है 36223। ऐसे लग रहा है ये मेमू से एक अच्छा पैरेलल रन होगा। नंबर 10 नंबर प्लेटफॉर्म दिखाई दिया। शियालदह राजधानी 12313 ऑलरेडी निकल गई। आज सैटरडे है, कल अगर संडे होता तो दो बैक टू बैक प्रीमियर ट्रेन होता। शाम को 4:50 पे शायद शियालदह राजधानी, और 5:00 पे शियालदह निकली। एक WAG इंजन, WAG 9। यहाँ पर एक LHB रेक ट्रेन दिखाई दे रहा है मुझे, 13 नंबर प्लेटफॉर्म से। हम लोग शियालदह से निकल पड़ी है, और थोड़ा सा स्पीड भी ले लिया है। अब एक्सीलरेशन शुरू हो जाएंगे। सर्कुलर ड्राइवर क्रॉस कर लिया। यहाँ पर कुछ रेक स्टेबल है, शियालदह से वडोदरा, ये शायद स्पेशल ट्रेन होगा।
ज़रा स्पेशल कर रही है। ये एक लाइन दिख रहे हैं आप लोग, चला जा रहा है वो, जा रही है टुवर्ड्स गुरुदर्श बनर्जी हॉल्ट होके बालीगंज, पहले पाक सर्कस उसके बाद बालीगंज। हम लोग चल रहे हैं विधाननगर की तरफ। ये फर्स्ट स्टॉपेज होगा इसका, शेड्यूल स्टॉपेज विधाननगर रोड, और इसका कोड है BXNR। विधाननगर से हम लोग निकल पड़ी और इसका नेक्स्ट स्टेशन होगा दमदम जंक्शन और इसका कोड होगा DTJ। ट्रैक दिखाई दे रहा है, आज तो सैटरडे है फिर भी थोड़ा सा भीड़ कम है। हालांकि बैठने के लिए सीट है, दो एक मिल जाएंगे। दूसरा दिन होता तो शायद मैं रनिंग कॉमेंट्री ऐसे दे ही नहीं पाता। हम लोग दमदम जंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, एक लाइन आ रहे हैं वहाँ से, वो सर्कुलर रेल का लाइन है। दमदम जंक्शन के उस साइड का नेक्स्ट स्टेशन होगा पातिकपुर रोड, फिर कैलकाटा, मतलब कोलकाता रेलवे स्टेशन। अभी ऐसे मुझे कुछ ना कुछ मालगाड़ी मिले ही जाएंगे। हाँ, ये BXN रेक, एक ही चीज़ देख रहा हूँ, इसके इंजन मुझे क्या मिलेगा। WAG 12 हो तो ठीक है, नहीं तो ट्विन डीजल है। वहाँ पर भी और एक BXN रेक दिखाई दे रहा है, पूरा कोयला से भरा पड़ा है। शिवड़ी मोमू ओवरटेक कर रहे हैं हम लोगों को। इसको शायद प्रायोरिटी मिलेगा। ओवरटेक करके निकल गई। दमदम जंक्शन स्टेशन के बाहर रुक गई, अब चल पड़ी। मेमू को ओवरटेक कर लिया। अच्छा लगता है जिस ट्रेन में चढ़ा हूँ वो, अगर दूसरा कोई ट्रेन पर ओवरटेक करे ना, बहुत अच्छा लगता है। WAG 9 मिला। ये स्टेशन दमदम है, इसका कोड है DTJ। दमदम स्टेशन के आप 5 साइड जा रहे हैं सकते हो। मैं आ रहा हूँ शियालदा से, एक साइड निकलती है आप डानकुनी की तरह, एक सर्कुलर रेलवे पातिपुर, एक आपकी गेडे बोनगा, और एक साइड जहाँ से मैं हम लोग निकलेंगे वो होगा बिलगुड़ी आगुरपाड़ा शोधपुर कल्याणी की तरफ। तो ये हो गया 5 साइड, और मेरे राइट साइड में और एक ट्रेन है, उसको बोलते हैं कोलकाता मेट्रो रेलवे। दमदम स्टेशन आ गया तो लोग बोर्ड भी करेंगे बोर्ड।
ये ट्रेन तो बहुत दूर तक जाएंगे गेटे, अब ईश्वर जाने मैं कल्याणी कैसे उतरूंगा। और ये भी नहीं आ गई तो हम से निकल पड़ी। हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हैं।